मैं अंजू गुप्ता और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जहां पर हम बात करेंगे उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक उपन्यास का विमोचन किया है। आपको बता दें कि ये उपन्यास पूर्व डीजीपी ने लिखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे चौक IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी की लिखित उपन्यास भंवर एक प्रेम कहानी का विमोचन किया। अनिल रतूड़ी की लिखित 350 पेज का ये उपन्यास विनसर प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। सीएम धामी ने उपन्यास के लेखक अनिल रतूड़ी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक वर्दीधारी अधिकारी जब एक प्रेम कथा लिखते हैं तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके हृदय में किस तरह के भाव होंगे। इस उपन्यास में उन्होंने अपने जीवन में घटित सभी संस्मरणों और अनुभूतियों का वर्णन किया है। एक बहुत ही अच्छा उपन्यास आज श्री अनिल रतूड़ी जी द्वारा इसको रचित किया गया है, लिखा गया है, उसका यहाँ पर उसमें बहुत सारे विषय वस्तु जुड़े हुए खास तमाम ऊंचाइयों पर और तमाम जीवन की जो सच्चाई है उसको उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से रखा है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे भी इसी प्रकार की पुस्तकों का लेखन करते रहें और वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे सभी नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। और वो स्वयं उन्होंने अपना जीवन जिस प्रकार से दिया है सभी के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी है। एक बार फिर से बात देहरादून की कर लेते हैं, जहाँ पर शहरी विकास मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में तमाम योजनाओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में ऋषिकेश में बनने वाली योजनाओं के साथ ही देहरादून की लंबित परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देशों की अगली बैठक में प्रगति रिपोर्ट भी ली जाएगी, जिससे पता चल सके कि आखिरकार अधिकारियों के दिए गए आदेशों का गंभीरता के साथ पालन किया जा रहा है या नहीं। देखिए, 29 अप्रैल को मैंने एक MDDA के अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और मैंने 8 बिंदुओं में उनको जानकारी लेके उनसे दिशा निर्देश दिए थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं बिंदुओं में आज उनको क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में मैंने बातचीत की और मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि जो भी मेरी मीटिंग होगी नेक्स्ट मीटिंग में उसके प्रोग्रेस जानकारी मुझे चाहिए। पहला बिंदु था ऋषिकेश में जो मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी थी, तो उसमें जो मुझे जानकारी दी गई कि अभी तक ये था कि इन्होंने अपना जो आर्किटेक्ट है उसे मान लिया, मतलब घोषित कर दिया, और उसके बाद जो उसका खर्चा है वो 25 लाख से ज़्यादा आ रहा, तो उसका विषय जो है शासन में जाएगा, जिसके लिए मैंने कहा कि हफ्ते मैक्सिमम 10 दिन में इस विषय को ख़त्म करके वहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या ऋषिकेश के लिए, चूँकि मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है और आप जानते हैं कि चार धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से होकर लोग निकलते हैं, आज इतनी भीड़ है ऋषिकेश के अंदर विशेषकर, और पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। यूँ तो मेरे पूरे उत्तराखंड के अंदर ये समस्या है, लेकिन एक एक करके हम पूरा करते हैं, तो उसके लिए मैंने उनको अब आने वाले 10 दिन का मैंने टाइम दिया है। साथ में मसूरी में भी एक 0 पॉइंट पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पार्किंग की बननी थी और उसमें भी मेरे को जो जानकारी मिली तो 11 मीटर तक बननी थी, अभी 21 मीटर तक बनी है, G+6 मंजिल वो पार्किंग बननी है, तो उसमें भी शासन से जानकारी ली गई, शासन को भेजा गया कि इसमें अनुमति मिले ताकि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 6 मंजिल तक बन सके। ये कैसी हमारे यहाँ जो है माल रोड का जो मसूरी का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, तो वो भी हमने तय किया कि 30 तारीख तक
हर हालत में उसे पूरा करें। उसमें इन्होंने मुझे प्रोग्रेस बताई है कि इसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और मैंने ये भी कहा था कि जो यात्री आज की तारीख में आ रहे हैं, पिछली बार भी कहा था आज भी कहा है कि यात्रियों को भी परेशानी है, पर्यटकों को भी परेशानी ना हो, स्थानीय जनता को भी परेशानी ना हो। एक बार फिर बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर हरियाणा से 53 छात्र छात्राएं उत्तराखंड पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये 53 छात्र छात्राएं उत्तराखंड में स्थित विधानसभा भवन का भ्रमण करने आए। आपको बता दें कि इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से भी भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं से विधानसभा से संबंधित तमाम संसदीय कार्यवाही और सदन संचालन के संबंध में जानकारी देते हुए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बार गैनसैन विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां की गई है, 7 तारीख का दिन इसके लिए निर्धारित किया गया है। चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग तो रहा था, लेकिन आई एम श्योर वी आर ऑल अप टू द चैलेंज और हम उस को अच्छी तरह से सब कर रहे हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी में सरकार का बजट सत्र, हालांकि पहले भी सत्र वहाँ पर हुआ है, ये सत्र कितना डिफरेंट आप देखती हैं? और दूसरा, वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके से लगातार बात उठती है कि अब अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हैं, तो कम से कम ये जो राजधानी है यहाँ से कामकाज हो सके। देखिए, ऐसा है कि इट वुड बी आइडियल अगर 365 दिन हम गैरसैंड में कुछ काम कर सकें तो आइडियल सिचुएशन होगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। और अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे कार्यक्रम या ऐसे कार्य या ऐसे दफ्तर हम लोग खोल पाएँ ताकि ज़्यादा समय वहाँ पे कामकाज हो सके। और जो बिल्डिंग इतनी भव्य बनी है, उस बिल्डिंग की हम पूरी तरह से उसका यूज़ कर पाएँ, तो अब धीरे धीरे सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको कर पाएंगे, और होनी भी चाहिए, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर यात्रियों को काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी समस्या झेल रहे हैं चार धाम के यात्री। देवभूमि उत्तराखंड में 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के शुरू हुई चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का ऐसा रेला उमड़ा है कि चारों धामों में तिल रखने की जगह भी नहीं बची है। रोज बड़ी संख्या में यात्री चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से चार धाम यात्रियों के लिए किए जा रहे रजिस्ट्रेशन स्लॉट फुल हो गए हैं। बद्रीधाम में जहां 26 मई तक स्लॉट बुक हो चुके हैं, तो वहीं अन्य धामों के लिए 16 जून तक स्लॉट फुल हो गए हैं। ऐसे में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु परेशानी का सामना उठा रहे हैं। हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन सेंटर पर यात्री पहुंच रहे हैं और स्लॉट बुक होने की वजह से परेशान ना बुक होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। हरिद्वार जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि इस बार सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की है। यात्रियों के ज्यादा संख्या में आने के कारण चारों धामों के स्लॉट फुल हो गए हैं, जिसकी वजह से यात्रियों के सामने समस्या आ रही है। महाराष्ट्र से आई यशोदा का कहना है कि वह बुढ़ापे में चार धाम यात्रा के लिए आई थी और यहाँ पर स्लॉट नहीं मिल रहा है, उनके सभी पैसे भी खर्च हो गए हैं, सरकार उनके दर्शन कराने की व्यवस्था करे। हरिद्वार में अचानक आई श्रद्धालुओं और यात्रियों की भीड़ पर यहां के व्यापारियों का कहना है कि यात्रा पूरे 6 महीने चलेगी, ना कि मई और जून में ही समाप्त हो जाएगी। यात्रियों को संयम रखते हुए चार धाम यात्रा करनी चाहिए और जो सरकार ने यात्रा के नियम बनाए हैं उनका पालन करना चाहिए। क्षमता से अधिक यात्री आ जाने से उत्तराखंड में व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने आने वाले यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। मैं मुंबई से आया हूं और मैं बहुत मतलब शिद्दत से बाद में आया हूं कि भाई चलो चार धाम यात्रा करेंगे, अपन लॉकडाउन खुल गए तो आप दर्शन हो सकते हैं, और मैं घर से ही ये मतलब मालूम करके निकला कि रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने बहुत कुछ उत्तराखंड सरकार के बारे में सुना है कि ये यात्रियों को बहुत मतलब सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ कोई सूचना ही नहीं है, सपोर्ट तो पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। और हम जिस बजट से आए उस बजट के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ तो हमारे को तो कुछ यात्रा का ही नज़र नहीं आ रही है आगे की। अभी मतलब उत्तराखंड सरकार को तुरंत आज के आज इसी वक्त ने राहत महसूस करके हमारे लिए कुछ प्रदान करें।
बहुत सच्चाई तो यह है कि यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन कुछ यात्रियों ने जल्दबाजी करी है। कुछ यात्री जो हैं सुबह रात को बैठते हैं, सोचते हैं ना चलो यात्रा चलने, लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, जो उसमें स्लॉट बुक करे गए हैं, जो पंजीकरण हो रहा है, उसकी एक प्रारूप है यात्रा पे जाने का एक प्रारूप है। और उस प्रारूप के अनुसार अगर तीर्थयात्री हरिद्वार आ रहा है तो उसका यात्री को पालन करना चाहिए। और ये बड़ा सुखद विषय है कि आप जो है तीर्थयात्री आ रहे हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन अत्यधिक यात्री आने से व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। जैसा कि हरिद्वार के अंदर भी अगर अत्यधिक यात्री आ जाएं तो वो व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। इसलिए सरकार की तरफ से पूर्णतः व्यवस्था है। जहाँ 100 आदमी की व्यवस्था है वहाँ अगर 1,000 आ जाएंगे तो अच्छी बात है, हो जाएगा, लेकिन जो वहाँ 10,000 आदमी पहुँच जाएंगे तो वहाँ व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं, और जो यात्रियों का स्लॉट बुक नहीं है, जिनका पंजीकृत नहीं है, वो पंजीकृत करा लें, उसके बाद आए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत स्पष्ट कहना है कि यात्रा पूरे 6 महीने चलने वाली है, ये नहीं कि मई जून ही यात्रा चलेगी, 6 महीने यात्रा चलेगी। आप आराम से आइए, तीर्थ यात्रा कीजिए, चारों धाम की यात्रा कीजिए। सरकार ने ऐलान किया है कि हम 6 महीने तक यात्रा चलाएंगे। देखिए, चार धाम यात्रा चरम में चल रही है और कई प्रदेशों से यात्री आ रहे हैं, और इस बार सरकार ने बायोमेट्रिक पंजीकरण निःशुल्क सेवा शुरू किया है, और इतने ज़्यादा पंजीकरण ऑनलाइन किए जा चुके हैं कि वर्तमान में स्थिति ये है कि 26 तारीख तक के स्लॉट बद्रीनाथ के बुक हैं और 27 से बद्रीनाथ के कुछ स्लॉट बचे हुए हैं। शेष जो 3 धाम हैं उनके, अगर पूरे धाम का कोई जाना चाहता है तो 14 जून तक के बाद ही स्लॉट मिल रहे हैं। गंगोत्री के भी 2 जून तक मिल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर केवल आदमी यमुनोत्री जाना चाहता है तो वो 14 के बाद ही स्लॉट पूरे धाम का मिल रहे हैं। क्योंकि यात्री लोग आ चुके हैं और ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है, यहाँ नहीं ऋषिकेश में, चूँकि यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से यात्रा चलती है, तो वहाँ भी ऐसी स्थिति हो गई है कि लाखों की संख्या में यात्री है। अब इस पर उच्च स्तर पर जरूर पहल हो रही होगी। जिस तरह की कोई पहल आती है तो जनपद हरिद्वार भी उस पहल के, उस निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। कोई भी यात्री आता है, मेरे पास आता है, जो इस समय हकीकत की स्थिति है मैं स्पष्ट बता देता हूँ। ऑनलाइन में 27 का पंजीकरण हो रहा है, लेकिन काउंटरों में जो साइड है, जो एथिक्स संस्था है, उसने अपनी साइट को बिल्कुल क्लोज कर रखा है। काउंटर से कोई भी पंजीकरण काउंटर से नहीं हो रहा है। ऑनलाइन वाले बहुत लोग आ रहे हैं जो आश्रमों में रुके हैं, जो कह रहे हैं हम रुक जाएंगे 15 दिन 10 दिन, तो उनका हम जो है साइट से बता देते हैं। वो अपने आदमियों का 14 तारीख का भी करा रहे हैं, 2 तारीख का भी करा रहे हैं, 27 का भी करा रहे हैं। अभी जैसे 6 लोगों ने 27 का बद्रीनाथ का करा के गए हैं। अगली खबर पौड़ी से है, जहां अमृत महोत्सव के चलते मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के चलते जिला मुख्यालय पौड़ी में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में पहले से लेकर 5वें स्थान में आने वाले प्रतिभागियों को जिलाधिकारी पौड़ी और स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी के हाथों सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में चार दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता में सभी को अनिवार्य रूप से हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार मौसम परिवर्तन के कारण अलग अलग प्रकार के रोग निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। वहीं इस दौरान विधायक राजकुमार पौरी ने कहा कि युवाओं को अपने शरीर को मजबूत और तंदुरुस्त रखने के लिए इस तरह का व्यायाम हर दिन करना चाहिए, जिससे वे चुस्त दुरुस्त रह सके, क्योंकि ये युवा ही हमारे आने वाले कल का
भविष्य है। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता में विजेताओं को भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। धन्यवाद। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है युवा खेल विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से इसको किया जा रहा है और इसमें अलग अलग तरह के खेल होने हैं, लेकिन आज जो है मैराथन है, मैराथन का शुरुआत हुआ है और निश्चित रूप से ये क्षेत्र के युवाओं को जो है आगे बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी, ऐसा मेरा मानना है। जनपद में खेल विभाग के द्वारा आज एक दौड़ का आयोजन किया गया है, इसमें माननीय विधायक श्री राजकुमार कोहली जी के हाथों से शुभारंभ किया गया और इस दौड़ में दो वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, वह पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। मैं सभी खिलाड़ियों को बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में ऐसे आयोजन नियमित रूप से होने का भी उनको आश्वासन देता हूँ और हम प्रयास करेंगे कि जनपद में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो भी उत्साह है उसको हम बरकरार रखेंगे और खेल प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास नियमित रूप से किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनपद में और भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसमें सभी विकास खंडों में 75 अमृत सरोवर हम निर्माण कर रहे हैं जिसमें जलाशय निर्माण और उसका संवर्धन शामिल होगा। इसके साथ साथ में अन्य विभिन्न कार्यक्रम जो है योगा दिवस का भी आयोजन किया जाएगा जो 21 जून को किया जाएगा, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष विभिन्न कार्यक्रम नियमित रूप से किए जाए और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव का जो पर्व है ये यादगार पर्व रूप में आगे भी उभर के सामने। बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां पर बायोमेट्रिक मशीन खराब होने से उपभोक्ताओं को राशन नसीब नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में पिछले 15 दिनों से बायोमेट्रिक मशीन खराब होने के कारण उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा है, जबकि दुकान पर 650 से 700 राशन कार्ड धारक हैं और एक कार्ड पर एक महीने के लिए सिर्फ 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल ही दिए जाते हैं। मशीन खराब होने के कारण राशन के लिए लोग अपने न जाने कितने दिन खराब कर चुके हैं। रिटेलर देवेंद्र नेगी ने इस संबंध में विभाग को रिपोर्ट भी कराया है, जिसके बाद विभाग से मशीन जांचकर्ता आया, उन्होंने मशीन को खराब बताया है, मगर अभी तक ना तो मशीन ठीक की गई और ना ही खराब मशीन की जगह दूसरी नई मशीन दी गई है। उपभोक्ता का कहना है कि वे दुकान के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। हालांकि अब देखना यह है कि आखिर कब तक बायोमेट्रिक मशीन ठीक होता है और उपभोक्ताओं को राशन कब मिलता है। सर, हमारा ये कहना है या तो आप बायोमेट्रिक मशीन बंद कर दीजिए या फिर हमें राशन दिलवा, मतलब राशन की कोई सुविधा ऐसी कीजिए जो हमें राशन मिल सके। हम बार बार आ रहे हैं, चक्कर काट काट के परेशान होगी दुनिया, परेशानी बहुत झेल रही इस टाइम, राशन बहुत पड़ी है दुकान में पर हमें मिल नहीं पा रही। नरेंद्र नेगी, सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता नरेंद्र नगर। विगत जो है कई दिनों से जो है मेरी मशीन जो है खराब चल रही है, इसकी जानकारी मुझे जो है विभाग को भी कई बार दे रखी है। एक्सपर्ट भी आके जो है कह के चला गया कि मशीन खराब है, विभाग को इसकी सूचना दे चुका हूँ, तब अभी तक जो है इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि हमें राशन कब मिलेगी। राशन मेरी पूरी भरी पड़ी है, मुझे जो है इसका शीघ्र जवाब दे ताकि जनता को जनता का हक मिल सके। इस वक्त मैं नरेंद्र नगर की जो सस्ते गल्ले की राशन की दुकान है उस पर खड़ा हूँ और आप यहाँ पीछे देख रहे होंगे कि राशन यहाँ बिल्कुल गोदाम में भरा पड़ा है और जो यहाँ पर राशन विक्रेता हैं उनका कहना है कि कम से कम 225 क्विंटल राशन उनकी दुकान में है, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये राशन और लोगों को नहीं आवंटित की जा रही है। उसका कारण ये है कि जो बायोमेट्रिक मशीन है वो लोगों को वो जो है मतलब सही तौर पर नहीं चल पा रही है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, राशन की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि या तो ये बायोमेट्रिक मशीन जो है बंद की जानी चाहिए, जैसे पहले पुराने तौर तरीके पर चल रहा था उस तरह से चलाया जाना चाहिए या ये व्यवस्था ठीक की जानी चाहिए। देखते हैं ये व्यवस्था को विभाग कब तक ठीक करता है, ये देखने की बात होगी। मैं वसंतरायाल नरेंद्र। अगली खबर सतपुली से है, जहां 2 महीने से गायब एक किशोरी को पुलिस ने अब ढूंढ निकाला है। आपको बता दें कि चौबट्ठा खाल क्षेत्र के 2 महीने से गायब एक नाबालिग किशोरी को सतपुली पुलिस ने बिहार से ढूंढ लिया है, जबकि इस मामले का आरोपी युवक फरार हो गया है और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका।
थाना अध्यक्ष सतपुली लाखन सिंह ने बताया कि 15 मार्च 2022 को वार्षिक परीक्षा देने के बहाने लापता हुई किशोरी के अपहरण की रिपोर्ट 25 मार्च को राजस्व पुलिस में किशोरी के पिता ने दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच के बाद क्षेत्र में मजदूरी करने वाले दूसरे धर्म के बिहारी युवक की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद मामले में पॉस्को एक्ट और कई धाराओं में जांच शुरू की गई है। आपको बता दें कि सतपुली पुलिस के उपनिरीक्षक विनोद कुमार, कांस्टेबल प्रदीप सैनी और दीपिका की टीम ने नाबालिग छात्रा को अकमल आलम ग्राम बांसवाड़ी तुलसिया थाना बहादुरगंज जिला किशनगंज बिहार के घर से बरामद किया गया है। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद नाबालिग छात्रा को मेडिकल के लिए कोटद्वार चिकित्सालय ले जाया गया, जहां नाबालिग छात्रा ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। नाबालिग को जिला जज पौड़ी के सामने पेश किया गया है, जहां अभी छात्रा के 164 में बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अगली खबर काशीपुर से है, जहां चकबंदी के पेशकार के ऊपर लाखों के ठगी का आरोप लगा है। आपको बता दें कि धोखाधड़ी को लेकर रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। जमीनी पट्टों को फर्जी तरीके से नाम पर करने के बदले में लाखों की ठगी करने वाले पेशकार के खिलाफ कोर्ट के आदेशों के बाद धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि उससे करीब 1.5 लाख रुपए लेकर 5 एकड़ जमीन नाम पर करने की बात कही गई थी, लेकिन लंबे समय से पेशकार पीड़ित को धोखा दे रहा था, जिसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की गई, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने पर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के माध्यम से पेशकार रूपेंद्र के विरुद्ध कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, जिसको लेकर जल्द ही पुलिस जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। माध्यम से 156(3) सीआरपीसी के तहत हमारे पास एक प्रार्थना पत्र आया है, जिसमें चकबंदी कार्यालय में मौजूद एक कर्मचारी द्वारा वादी के साथ में करीब 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि किसी पट्टे की जमीन को नाम कराने के नाम पर उसके द्वारा पैसे लिए गए। माननीय न्यायालय के आदेश से इसमें 156(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया, जिसकी जांच की जा रही है। खबर अब रुद्रपुर से है, जहां एक युवक की निर्मम हत्या कर शव को सड़क के किनारे फेंक दिया गया है। आपको बता दें कि युवक का शव पुलिस सड़क के किनारे फेंक दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने अब इस मामले का खुलासा किया है। रुद्रपुर में हुई युवक की निहंस हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवक की हत्या कबाड़ के 40 रुपयों को लेकर हुए विवाद के बाद की गई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू ईंट बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि 18 मई की रात कबाड़ के रुपयों को लेकर मृतक सद्दाम और नवाब के बीच विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर नवाब ने अपनी महिला मित्र निशा और गंगाराम सहनवाज जुबैर के साथ मिलकर सद्दाम की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।
बुलेटिन के आखिरी में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर मौसम का मिजाज कुछ यूं बदला है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। चार धाम के साथ पर्वतीय जिलों में 21 मई से 24 मई तक बारिश, ओलावृष्टि और येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को तपती गर्मी से राहत मिल सकती है। चार दिनों के लिए मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है, साथ ही संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को सूचित भी किया है। तो वहीं SDRF और BRO की टीम भी जगह जगह मौजूद है। 21 और 22 मई के लिए प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 23 और 24 मई के लिए प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों में थंडर स्ट्रोम और हल्की बारिश की चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि 23 और 24 को उत्तरकाशी, देहरादून व टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ व बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना है। मौसम खराब को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक के मुताबिक ओलावृष्टि, पौधरोपण, बागबानी, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने, बिजली गिरने से जान माल के नुकसान की आशंका, भूस्खलन, चट्टान टूटने, तेज हवा, झक्कड़ की वजह से जिलों को सतर्क किया गया है। तो मौसम का मिजाज बदलने से एक तरफ लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन मौसम के बिगड़ते हालात से लोगों को इसका सामना भी करना पड़ेगा। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मौसम विभाग के अधिकारियों ने लोगों को सतर्क किया है, अब देखना यह है कि लोग इससे कितना सतर्क रहते हैं और सरकार कितना, अगर कोई अनहोनी होती है, भूस्खलन जैसी समस्या पैदा होती है, तो इस पर लोगों का सरकार कितना साथ देती है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ABSTAR News। नमस्कार।